छठ पर्व के मद्देनजर नवीन फल मंडी महवा में फलों के दामों में काफी उछाल आया है, जिसके संबंध में मंडी के फल विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में नींबू 500 रुपए बोरी, आदि 100 रुपए पसेरी, गंजी 18 से 20 रुपए किलो, अनानास 40 रुपए जोड़ा, सुतनी 160 रुपए पसेरी, नारियल 70 रुपए जोड़ा, बेल 10 रुपए पीस, अंगूर 100 रुपए किलो, अनार 100 रुपए किलो, शरीफा 20 रुपए पीस, बैर 200 रुपए किलो, आम 200 रुपए किलो, केला 200 रुपए घरी, इमली 70 से 100 रुपए किलो तथा गन्ना 20 रुपए पीस तक बिक रहा है। आपको बता दें कि छठ पर्व पर फलों की काफी डिमांड हो जाती है तथा छठ पूजा में सभी सीजनल फलों को चढ़ाया जाता है, जिसमें फलों के दामों में काफी उछाल आया है तथा अभी और दाम बढ़ने के आसार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी के फल विक्रेताओं ने कहा, मंडी के रेट भैया। ये मुनीर जी है, जीतू सा ठीक ठाक बिक रहा है, माना जाता है इसका बिजनेस महत्व होता है छठ में। जी होता है। क्या होता है छठ में? छठी मैया का पर्व होता है। नींबू का बाजार ठीक है? नींबू का बाजार ठीक ठाक है, शॉर्टेज है। क्या रेट चल रहा है? 500 रुपए बोरी बिक रहा है। 2000 का सैकड़ा पड़ा। एक बोरी में कितना होता है? एक बोरी में 50 पीस होता है। बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? ठीक ठाक है। सत्येंद्र शाह, छठ में सबसे ज्यादा नींबू का ही इस्तेमाल होता है। हर आदमी को 2 पीस लगता है और बाजार इस बार तेज है। वह बारिश के मौसम की वजह से किसान का नींबू नहीं हो पाया है, इसलिए गोरखपुर में बाजार तेज है। बिहार में भी तेज है। 600-650 रुपये बोरा बिक रहा है, 2000 का सैकड़ा बिक रहा है लगभग। और इस हम छपरा जिला गरखा भुवालपुर से हैं, बिहार से। सत्यनारायण राजभर, आदि बेच रहे हैं। पहले तो सस्ता है, हर साल से सस्ता है। इस समय 100 रुपये पसेरी। इतना महत्व है इसका? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर। अभी तक बिक्री किस तरह की है? वही 100-120 चल रहा है, 120 रुपये बाई। खरीदने आ रहे हैं ग्राहक? हाँ आ रहे हैं, खरीदने आ रहे हैं ग्राहक। बहुत पहले से बहुत कम है लग रहा है। बिक्री अभी होगी आगे? नहीं अभी नहीं, उतना नहीं हो रहा है।
हमारा मकसूद हसन। कर्नाटक की गंजी है ये 18 रुपए से 20 रुपए तक बिक रही है, और मंडी में जो है उड़ीसा की गंजी आई है वो बिक रही है 23 रुपए से 24 रुपए किलो तक। ग्राहकों को लेके क्या स्थिति? ग्राहक तो जो है इतना जाम हो जा रहा है कि ग्राहक परेशान हो जा रहे हैं, साधन जल्दी मिलता नहीं है। जी जी गंजी का भी डिमांड, मतलब फल का जो है, मतलब कोई भी आइटम है सबका डिमांड रहता है। बिक्री क्या है? बिक्री जो है ठीक ठाक चल रहा है। मोनू क्या रेट चल रहा? 40 रुपये जोड़ा। गंजी 160 रुपये पसेरी। कितनी? 160 रुपये पसेरी। अदरक 150 रुपये पसेरी। नारियल 70 रुपये जोड़ा। बेल भी बेचा जा रहा है जी? क्या 10 रुपये पीस। देखा जाए तो छठ पर्व में काफ़ी चीज़ों का डिमांड रहा था, बिक्री लिखते होने की क्या स्थिति है? अभी बिक्री कल के डेट में होगा, अभी आज बहुत डाउन है, आज मार्केट बहुत डाउन है। मनोज कुमार मैं अंगूर का रेट जो है 100 रुपया प्रति रुपये चल रहा है। अनार भी जो है 100 रुपया के प्रति रुपये, शरीफा 20 रुपया। छठ पर्व में इन चीज़ों का काफ़ी डिमांड रहा था, क्या चल रहा है? वो रेट भैया वहाँ भी टाइट है, वहाँ से ही बाज़ार में बहुत टाइट चल रहा है रेट, यहाँ पे भी रेट वो पड़ते नहीं पड़ रहा है व्यापारियों को। बिक्री को लेकर क्या? बिक्री चल रही थी, बिक्री ठीक। अभी आगे होगी? आगे भी अब कल परसों है, दो दिन। राजेश हाँ, नारियल है 30 रुपये, और क्या नाम है, अनारस है 25 का एक है, पपीता है 10 रुपया किलो, क्या सुधनी है 10 रुपया किलो, अंगूर है 200 रुपया किलो, अनार है 80 रुपया किलो, गंजी है 30 रुपया किलो, हाँ बैर है 200 रुपये। बिक्री को लेकर क्या चीज़? बिक्री तो अभी दो तीन दिन से एकदम स्लो चल रही है। देखा जाए छठ में इन चीज़ों का काफ़ी डिमांड रहा था, बिक्री ठीक ठाक? हाँ होती है, लेकिन इन समय बहुत ढीला है। अभी क्या लग रहा है, आगे होगी बिक्री? अभी तो उम्मीद है कल और परसों का। सुजीत कुमार, क्या मंडी में क्या रेट चल रहा है? 200 से 220, 10 दर्जन और 12 दर्जन। बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? कंडीशन खराब चल रहा है, कोई बहुत खास नहीं, केले का कंडीशन तो बहुत ही खराब है। छठ पर काफ़ी डिमांड रहा था आम फलों का? आम फलों का रहता भी है, लेकिन इस साल पिट गया। क्या लग रहा होगा अभी? बस 3 दिन हो गया, कंडीशन ऐसा है, 2 दिन बचा है, देखिए क्या होता है। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? ग्राहक है, भीड़ है, लेकिन बिक्री नहीं। सलीम मेकरानी, इमली 70 रुपये डब्बा, फल चाइना अंगूर है 2200 रुपये का, 1200 रुपये का सिंडम है, 2200 रुपये का कीवी है, 500 रुपये से 600 रुपये की। बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? बिक्री ठीक ठाक है, न बहुत अच्छी है न बहुत खराब है। छठ में फलों की काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, सब चीज़ों की बिक्री? जी हाँ, और ये ठीक ठाक आमदनी ज़्यादा है, इसलिए बिक्री कम है। प्रभुराम, पेड़ इस समय बहुत महंगा लेके आए हैं, इसलिए हमें 20 रुपया पीस बेचना पड़ रहा है। देखा जाए काफ़ी महत्व रहा था छठ पर्व में गन्ने का, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस समय किसानों का। अभी बिक्री के लिए क्या स्थिति है? अभी बिक्री के लिए स्थिति डाउन है। अभी क्या लग रहा है, आगे होगा दिनों में? आगे होगा, कहाँ तक आए? यही उम्मीद है हमारा। कहाँ हम आए? टांडा से, अम्बेडकर नगर से।